गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है ब्रह्मा कुमारीज के सैट विंग द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस में, जिसका थीम है लिंकिंग हार्ट्स, कैसे हम दिलों को जोड़ें और दिलों को हम जोड़ते चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब हम एक दूसरे से दूर नहीं हैं, लेकिन बहुत करीब आ गए हैं, समीप आ गए हैं, एक दूसरे को जानने और पहचानने लगे हैं। यही तो दिलों की समीपता का परिचायक है, द्योतक है। आज के इस संध्याकालीन सत्र में भी एक बहुत ही खूबसूरत सा विषय लेके प्रस्तुत हुए हैं मित्रों। विषय है अनलॉक पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी आज के जीवन के लिए कितनी आवश्यक है ये हम सभी समझ सकते हैं, क्योंकि जहां सकारात्मकता है वहीं सफलता है, वहीं समृद्धि है, वहीं उन्नति है। और जहां हम नेगेटिव होते हैं तो वहीं निराश होने लगते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं, हताशा और निराशा हमारे अंदर घर करने लगती है और जीवन की सारी खुशियां जैसे हमसे दूर हो जाती हैं। इसी कला को आज हमें सीखने की आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, गौतम बुद्ध जी के जो शिष्य थे, जब उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर ली, बुद्ध जी के पास आए, उन्होंने कहा कि भंते, हमारी शिक्षा पूरी हो गई, अब आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम समाज में जाएं और समाज के लोगों की सेवा करें। बुद्ध जी ने कहा कि मैं जरूर छुट्टी दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि यदि तुम किसी गांव में पहुंचते हो और वहां के लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम्हारी बातों को नहीं सुनते हैं, तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा कि ठीक है, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हम ये सोचेंगे कि इग्नोर ही तो किया, हमारी बातें सुनी ही तो नहीं, हमें गालियां तो नहीं दी। बुद्ध जी ने कहा, यदि वो तुम्हें गालियां दे तो? शिष्य ने कहा, हम सोचेंगे कि ठीक है, गालियां ही तो दी, पत्थर से तो नहीं मारा। बुद्ध जी थे, उन्होंने कहा यदि पत्थर से मारे तो? शिष्य ने कहा कि ठीक है, यदि पत्थर से मारेंगे तो हम सोचेंगे चलो पत्थर से ही मारा, जान से तो नहीं मारा ना। बुद्ध जी ने अगला सवाल उछाला कि यदि जान से मार दें तो? शिष्यों का जवाब बहुत ही सुंदर था, मुझे लगता है कि ये सकारात्मकता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि यदि वो हमें जान से मार देंगे तो मरते मरते हम उन्हें दुआएं और आशीष देंगे कि धन्य है ये आत्माएं जिन्होंने हमें इतनी जल्दी मुक्ति प्रदान कर दी, जिसके लिए हम सारे जीवन तप करने वाले थे, साधना करने वाले थे, पुरुषार्थ करने वाले थे। ये है पॉजिटिविटी। और इस लेवल की पॉजिटिविटी यदि हमारे अंदर आ जाती है तो सोचें जीवन कितना निखर जाएगा, कितना खुशबूदार हो जाएगा। इसीलिए आज के इस सत्र में इसी की बहुत गहराई से हम चर्चा करने जा रहे हैं। पॉजिटिविटी से जुड़े सुंदर अनुभव लेकर सर्वप्रथम हमसे जुड़ रही हैं जयपुर से डॉक्टर खुशबू कपूर जी, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंटरनेशनल एंकर हैं और आपने अनेक अवार्ड्स अपने क्षेत्र में जीते हुए हैं। और इसके पश्चात हमारे साथ होंगी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी जी, जो कि सैट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप दिन रात अथक परिश्रम करती हैं ताकि शिपिंग, एविएशन और टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी भाई बहनों का जीवन पॉजिटिविटी से भर जाए, उनका जीवन सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। आपका सुंदर विषय होगा जर्नी टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पश्चात अपने सुंदर अनुभव लेकर हमसे जुड़ेंगे एयर इंडिया के AGM भ्राता राजीव जैन जी और मुंबई से जिंदल स्टील प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एडवाइजर भ्राता विपिन चोपड़ा जी। आइए अभिनंदन करते हैं। सकारात्मक विचार हमारे जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही व्यक्तित्व हमारा हो जाता है, वैसा ही हम बन जाते हैं, ये आपने जरूर सुना होगा। लेकिन इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, वो भी सकारात्मक हो जाता है। जी हाँ, हमें जो हमारे इस लाइफ की जर्नी में जो लोग मिलते हैं वो फिर सकारात्मक ही मिलते हैं। कभी इसे जरूर आजमा के देखिएगा। जब भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट आता है तो फिर तब बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में होने लग जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो नेगेटिव एनर्जी को हमें अपने अंदर नहीं आने देना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? है ना अच्छा सवाल। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान हमारी लाइफ में एक बैलेंस को मेंटेन करता है।
आखिर लाइफ में कितनी सारी उलझने होती हैं। हमारे सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल जरूर होता है। कुछ लोग फिनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं, कुछ फैमिली में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर कुछ हेल्थ वाइज स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इन स्ट्रगल से आखिर कैसे छुटकारा पाया जाए, आखिर कैसे अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस मेंटेन किया जाए। सो ये बैलेंस तभी हो सकता है जब आप मेंटली फिट हों, आप फिजिकली फिट हों, और फिनेंशियल और ये सारी बातें तो अपने आप आपके पास खुद ही आ जाएंगी। क्योंकि जब आप फिजिकली और मेंटली इमोशनली फिट होते हैं तो फिर सब कुछ सकारात्मक होता है। और ये सारी चीज़ें एनर्जी से रिलेटेड हैं। यस, हम भी एक ऊर्जा ही हैं। हमारे आसपास जो इस पूरे विश्व को कंट्रोल कर रही है वो भी एक ऊर्जा ही है। तो बस उस ऊर्जा के साथ हमें हमारी ऊर्जा को कनेक्ट करना है और फिर देखिए लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। तो हमेशा सकारात्मक रहिए, सकारात्मक विचार रखिए और अपनी जिंदगी में हमेशा खुशहाल रहिए। इसी के साथ मैं खुशबू कपूर आपसे लेना चाहूंगी विदा। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन। जर्नी टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, आज इसकी बहुत आवश्यकता है। यूं तो हम सभी ने लाइफ में अनेक जर्नीज की हैं, लेकिन आज आवश्यकता है जर्नी टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन शब्द सुनते ही मन में आता है कि अभी कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दुनिया में तो परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो हम समझें कि हमें परिवर्तन की क्यों आवश्यकता है। What is its necessity in my life? क्या इसका महत्व है? सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे। हम बहुत चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। पिछले कई दशकों से लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है। आज लाइफ न केवल फास्ट है लेकिन अनसर्टेन और इनसिक्योर बन गई है। स्नेह, संतोष, ये जीवन को सुखी बनाने वाली बहुत सुंदर क्वालिटीज हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि वो जीवन से गायब ही हो गई हैं। जब मैं स्नेह कहती हूं, स्नेह मीन्स वो प्योर लव, वो ट्रू लव, और इसका स्थान स्वार्थ भावनाओं ने ले लिया है। प्रोग्रेस के नाम पर हम बहुत महत्वाकांक्षी बन गए हैं और कंपैरिजंस कॉम्पिटिशन्स में आ गए हैं। संतोष जीवन से निकल गया है, और संतोष जिसको सबसे बड़ा धन मानते हैं। तीसरी बात, खुशी, उमंग, उत्साह, उल्लास, खुशी, ये भी जैसे ऊपरी ऊपरी हैं। हम बाहर से तो बहुत खुश नजर आते हैं। देखिए, हम लोग पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, हम फंक्शंस अटेंड करते हैं, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं, हेलो करेंगे, यू आर वेलकम, लेकिन उस समय हम बहुत खुश होते हैं। पर हम सबको मालूम है कि वास्तव में वो सब मोमेंटरी होता है। आज 21वीं सदी में ये जो शब्द हैं, प्लीज, थैंक यू, यू आर वेलकम, हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ, ऐसे लगता है ये मीनिंगलेस बन चुके हैं कि हम कितना किसका दिल से आभार मानते हैं। और ऐसा ही अपीयर होता है जैसे कि वो मुखौटे बन चुके हैं जो हम सबने पहन रखे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्स्ट्रेन, कंफ्यूजन, ये लाइफ का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है
ये स्ट्रेस, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये तो नेचुरल है ना। अगर ये नहीं होगा तो लाइफ तो अननेचुरल बन जाएगी। आज कितना हम इमोशनल बर्डन लेकर घूम रहे हैं, मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी तो हम अपने आप को बहुत सैड फील करते, कभी बैड फील करते, अभी अभी देखो तो बहुत खुश है और कुछ समय के बाद देखो तो एकदम मायूसी उदासी नजर आती है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? हम भागते जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्या हमने कभी समय निकाल कर, जैसे हम जीवन में चल रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं उससे थोड़ा सा हटकर, उसको थोड़ा सा पॉज देकर ये सोचने का प्रयास किया है, व्हाई वी आर रशिंग अप सो मच, किसके लिए? चारों ओर अगर नजर दौड़ाएं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आज हमारे पास वो सभी साधन उपलब्ध हैं, वो सब कुछ हमारे पास है जो आज से 30-40 वर्ष पहले नहीं था। लेकिन फिर भी आज लाइफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा स्ट्रेसफुल, ज्यादा अनहेल्दी बन चुकी है और बन रही है। तो एक क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है और वो है कि इसका समाधान क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन? ट्रांसफॉर्मेशन, वी रिक्वायर ट्रांसफॉर्मेशन, आई एंड यू रिक्वायर ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे सफरिंग से हैप्पीनेस की ओर ले जाए, जो मुझे पेन से जॉय की ओर लेकर जाए, जो मुझे दुख से सुख की ओर लेकर जाए, जो निराशा से आशा की ओर लेकर जाए, जो मुझे इग्नोरेंस से इनलाइटनमेंट की ओर लेकर जाए, जो मुझे चिंता से चैन की ओर लेकर जाए, जो मुझे अशांति से शांति की ओर लेकर जाए, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना होगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वास्तव में देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन एक आंतरिक यात्रा है। इट इज ए सेल्फ इनर जर्नी जो हर एक को अपने लिए प्रारंभ खुद ही करना है और खुद ही तय करना है। कोई दूसरा आपकी जर्नी प्रारंभ नहीं कर सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट अदर पर्सन कैन स्टार्ट फॉर यू और अदर पर्सन कैन चेंज यू। नो, ये वो इनर सेल्फ जर्नी है जो हमें खुद ही प्रारंभ करनी है और जिसमें वो व्यक्ति स्वयं के ऊपर रीवर्क करता है, स्वयं को देखता है, कहां कोई गैप्स हैं, कहां मुझे अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट इनर जर्नी इन विच वन रीवर्क ऑन द सेल्फ। हाँ, आपको कोई गाइड कर सकता है, कोई सपोर्ट कर सकता है। जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, तो जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाना सिखाने वाला हमें बताएगा, ये पोजीशन लो, इस तरह से बैठो, ऐसे पैडल पर पांव रखो, इस तरह से ब्रेक को पकड़ो, वो सब सिखाएगा। लेकिन अल्टीमेटली साइकिल को चलाने के लिए पैडल तो हमको ही लगाना पड़ेगा ना, हमको ही हैंडल को पोजीशन पर पकड़ना पड़ेगा ना। इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे कोई गाइड कर सकता है, कोई गाइडलाइन दे सकता है, कोई सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे खुद ही करना होगा ना। एंड सेकेंडली, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है और ये यात्रा कहां से प्रारंभ होती है, ये प्रोसेस कहां से प्रारंभ होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर आई एम नाउ।
अप टू वेयर आई हैव टू गो, कहां से प्रारंभ हुआ, जहां पर हम अभी हैं, और वहां तक चलता है जहां तक मुझे जाना है। और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तो हम अपने आप को उस माउंटेन टॉप पर फील करते हैं, बस जहां सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट, सब कुछ अच्छा 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 नजर आता है। और कभी ऐसा भी होता है जब हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि दुखों की खाई में जाकर गिर पड़े हैं, जहां सब कुछ हमें मुश्किल नजर आता है, ऐसा लगता है मैं नहीं कर सकता अभी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये बहुत मुश्किल है, अपने को हम असमर्थ असहाय फील करते हैं, ये इस तरह का प्रोसेस है। लेकिन याद रखिए, कोई भी रास्ता जब हम चूज करते हैं और उस पर चलना प्रारंभ करते हैं तो रुकावटें आना ये तो स्वाभाविक है। जैसे किसी ने कहा है, जिंदगी एक सफर है, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले गर हो बुलंद तो मंजिलें दूर नहीं। तो ऐसे ही अगर हमारा हौसला बुलंद है, अर्थात मेरे कहने का भाव ये है कि हमारा एक विचार ये सभी रास्तों को खोलने की चाबी बन जाता है, और हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई बिग बिग थिंग्स करने की जरूरत नहीं है। डूइंग स्मॉल थिंग्स इन ए बिग वे, वो क्या करना होगा, कैसे रुकावटें आती हैं, अनेक प्रकार की रुकावटें, जैसे कभी कभी हमारे अपने ही थॉट्स हमारे लिए रुकावट बन जाते हैं। जैसे कईयों को पोस्टपोनमेंट करने की आदत होती है, हर काम को ठीक है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी कल कल करते वो कल आ जाता है जब मेरे पास अभी कुछ करने का वक्त नहीं रहता है, और वो समय करने वाला जो समय था वो बीत जाता है। और फिर दूसरा प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरों के नेगेटिव जो हैबिट्स होते हैं या कुछ नेगेटिव संस्कार होते हैं, लाइक दूसरों की ईगो, एरोगेंस, स्पेशली जेलसी, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। आज इंसान की एक आदत बन चुकी है और वो बहुत बार हमारे जीवन के अंदर रुकावट बन जाती है, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता होगा। We don't bother what I like, but we bother what how other will feel about me, what other think about me. ये भी बहुत बड़ी रुकावट का काम करता है। और तीसरा, कभी कभी circumstances ऐसे बनते हैं, परिस्थितियां ऐसी उभर कर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं कि हमको उसमें बहुत difficult लगने लगता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, हम चाहते हैं उस पथ को कंटिन्यू करना, उस रास्ते पर कंटिन्यू करना, लेकिन हमको लगता है कि परिस्थिति ऐसी बन गई तो हम कैसे करें। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारा अपना एक दृढ़ संकल्प, हमारा एक विचार, खुद का विचार, लेकिन वो विचार कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग थॉट। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए इनर स्ट्रेंथ, वो आंतरिक शक्ति। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इनर जर्नी है, इसी प्रकार मुझे इनर स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। और वो इनर स्ट्रेंथ कहां से प्राप्त होती है, उसमें स्पिरिचुअलिटी एक वाइटल रोल प्ले करती है। ये स्पिरिचुअलिटी इनेबल्स ए पर्सन टू रीशेप हिज पर्सनैलिटी बाई रीशेपिंग द एटीट्यूड, बिहेवियर, थिंकिंग, माई एक्शंस, रिएक्शंस। ये वो आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें
इस बात की नॉलेज देता है, इस बात पर हमें ज्ञान देता है कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, बैड क्या है, गुड क्या है, अनप्रोडक्टिव क्या है, प्रोडक्टिव क्या है। और जब मुझे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि ये नेगेटिविटी है एंड इट इज गोइंग टू गिव लॉस टू माई सेल्फ, ये जो नकारात्मकता है ये मुझे ही नुकसान पहुंचाने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन से, अपने मन से उस नकारात्मकता को वीड आउट करने का प्रयास करना प्रारंभ करते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, साइमल्टेनियसली मुझे ये मालूम पड़ता है कि ये पॉजिटिविटी है, तो हम पॉजिटिविटी को अपने जीवन के अंदर भरना शुरू करते हैं। एंड वन थिंग मोर आई हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, द मोर यू पुट पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ, जितना आप अपने अंदर वो पॉजिटिविटी भरते जाएंगे, नकारात्मकता अपने आप जीवन से निकलती जाएगी। तो हमें प्रयास क्या करना है, हमें प्रयास ये करना है कि अपने जीवन के अंदर वो पॉजिटिविटी भरते जाएं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये एक प्रकार की जर्नी है जिसमें आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है, एस्पेशली आज के वातावरण में। ये मेरे हिम्मत को, ये मेरी करेज को बनाकर रखती है, ये मेरे साहस को बनाकर रखती है, मुझे ये वो शक्ति देती है जिससे मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि इसका एक कंपोनेंट और है जिसको मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग मेडिटेशन। क्योंकि राजयोग मेरे मन को काम डाउन करता है, वो मुझे शक्ति देता है, मुझे शांति देता है। इसलिए मैं आज आप सभी को एक बात कहना चाहती हूं कि हम अपने जीवन की यात्रा में तो चल ही रहे हैं और वो करनी ही है जो हम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम उसमें कुछ ऐड कर लें कि जो रोज हम अपना दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले हम केवल 3 मिनट या 5 मिनट हम अपने निकालें और एकदम साइलेंस में बैठ जाएं। उस साइलेंस में बैठकर हम अपने मन में एक शांति का बीज इम्प्लांट करें, सीड ऑफ पीस। आई एम पीस, मैं शांत हूं। और सारा दिन इस बीज को अटेंशन के पानी से सींचते रहें। मतलब आप बीच बीच में अपने आप को याद दिला दें, मैंने सुबह आज एक बीज बोया था, मुझे उसका ध्यान रखना है। और जब आप इस तरह से अपनी जर्नी को करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन जो आज आपने परिवर्तन की यात्रा प्रारंभ की है, खुशी की ओर, आशा की ओर, सुख की ओर, उस यात्रा में आप अवश्य ही सफल होंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं दुनिया में जो कुछ भी ब्यूटीफुल है वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरता ही है। जैसे फूल बनने से वो पहले कली होता है, हीरा बनने से पहले वो कोयला होता है, इसी प्रकार यदि आज हमें खुशी चाहिए तो हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना ही होगा। थैंक यू। ओम शांति। I would like to share my experiences with Brahma Kumaris. I got associated with Brahma Kumaris in January 2015 on my wife's insistence to accompany her just once to Brahma Kumaris Santa Cruz East subzone. Since I did not have any interest in VK but was in fragile state of my career at that time, I had got promoted to AGM, that is Assistant General Manager, in December 2014, but I was finding it difficult to discharge duties in this capacity, whereas this was a highly responsible position. In BK Center, Kamlesh Didi met us as if we are her brother and sister. Her love and affection made us sit
with her for an hour, and she suggested us to do a 7 days Raj Yoga course, which BK Center provides free of charge. Though an hour with Kamlesh Didi was appealing, but still, after coming out of the center, I told my wife that I don't want to do this course. She said that's okay, don't get burdened. Next day when she was going for the course, she asked me to give one try and told, don't continue if you don't like. I agreed and did the course for 7 days, but not with full interest and faith. Whereas first lesson of the course was to have faith in Shiva. But to my surprise, I found how teaching the 7 days course got embedded in my soul and became the driving force to make me visit BK Center with my wife. I continued visiting BK Center and attended the Murli with the hope that one day I will regain my own self. Slowly and slowly, with each passing day, realization of existence of Shiv Baba started creeping in me and I started getting connected with Baba. It's only after 1 year that I felt the support of Baba. I made a picture in my mind that I am holding Baba's hand and crossing the road without fear, and that was the turning point of my life. I started feeling energetic, fearless, enthusiastic and courageous. Started taking interest in office and home. I felt elevated and gifted with happiness. My bosses got surprised of my confidence and performance and praised me for taking workload more than the expected. Challenges do scare me, but don't stop me from doing my duties, and I get involved more with more interest when challenges are there. At the end, I achieve satisfaction and feel happy because there is always Baba with me to share such moments. I see Baba in Kamlesh Didi. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Om Shanti to our brothers and sisters of this wonderful planet. And we have to make every effort to make it more beautiful and more wonderful. First of all, let me introduce myself. Well, I am a shipping professional, having sailed on the ships up to the rank of chief engineer. Then I became a surveyor to classification societies, and we make sure that the ships are maintained properly and comply with all the rules and international regulations. Thereafter, I joined the office of a reputed Indian shipping company to look after the fleet technical operations for most of the fleet. My passion took me towards new building of ships, and I'm very happy to tell you that for the last 13 years, and even today, I'm involved, deeply involved, with building of ships internationally, and some of them also in India, presently for one of those very big industrialist owners in India. So that has been my background, how I have gone about into new building of ships. Permit me to take you on a small passage on my virtual time machine. Let me take you back in my teens when I was just about 12, 13 years old, and there was a family congregation at Dalhousie, Himachal Pradesh, and one of the great spokesmen there was our Swamiji, who asked everyone to make promises mentally. The next day, among all the people, there were about 40, 50 people, I was sitting somewhere in the corner and he caught up on me, and I was hoping it was not me, and he asked me to stand up and convey my three promises, which I did. Being a small child, I did not hesitate and I mentioned my three promises. That was, I will not smoke, I will not drink, and I will not tell lies. Friends, these three promises have created a shield around me, and they have become my three companions as I have moved around in the journey of life. You all know how the corporate world is
during this journey. Everyone works in the corporate world, and we come across various kinds of impediments, should I call it, because it's a deep jungle, it's a forest. You'll have all kinds of animals moving around, so I may say, and even some monsters. Now, what kind of animals they really are, they're not going to bite you. They're just going to move around you. It's a forest, so obviously you'll have animals. Some of them are nepotism, rat race. Then any other thing that could come to your mind would be there in the corporate world. And the monstrous of all is nothing less but corruption. I repeat, it's corruption. How you deal with this monster is left to you. It probably will not bite you. It will make you even happy that, oh wow, I have got so many things in life and I'm a very happy person. I have got so much of money stacked up with me. I can enjoy myself. That is nothing but Maya. And that Maya is going to disturb you. That Maya will definitely disturb you. It will make you happy for a short while, but not forever. So the right thing is make sure that you follow the path of truth, as we call it, Sachai Ka Rasta. That is an angel, and that angel will never leave you behind. If you are in trouble, the same angel will carry you in their arms and help you out. I have been very truthful all my life. I have never told a lie, and I see no reason why I should tell a lie either. You tell one lie, you'll have to tell mountains of lies just to take care of one lie. So be truthful. And another important thing, friends, is your high moral integrity. In the course of your movement, as I said, in this corporate world or even any other world, you're bound to come across these monsters of corruption who'll be very happy to buy you over. It depends upon you, how high are you on moral integrity? How truthful are you? And if you follow these two rules, the golden rules, nothing will go wrong. Nobody can touch you. And this has been my mantra. These have been my companions for the long journey that I've undertaken already. And I'm still on the path of glory. I must also tell you that last year, when we had a seminar on SAME, Shipping, Aviation, Tourism and Mount Abu, and I was honored to have been invited, and I went there. I had to say a few words on the stage, but before I come to all that, I was in total awe when the vehicle moved into the gates of Mount Abu. It was breathtaking for the greenery, for the architecture, for the hospitality of the people around. From the time that we left the vehicle, we were immediately ushered very professionally to the restrooms. Our daily program was so well chalked out, from the morning cup of tea, early morning. Then you have yoga practices, and then you have spiritual discourses, and you have your meals. You have some time for yourself. There would be cultural programs in the evening. You could even do your meditation, and that is how they taught us what is meditation all about. Meditation, to me, can be a little difficult at times, but if you follow your companions who will never leave you, if you have your angel next to you, meditation becomes so much easier. Truth and high moral integrity, because you have done nothing wrong ever, and now you are on the right path, the golden path, which will not betray you. I must also say, let us not grow green with envy. Let us grow green and make this planet greener and greener. With these few words, I take your leave, and I must say Om Shanti to all my listeners and friends. Thank you. सचमुच मित्रों, हमारे सभी महाअनुभवियों को सुनकर के यही प्रतीत हो रहा है कि पॉजिटिविटी आज के दौर में कितनी जरूरी चीज है। यदि ये है तो हम अंधकार से भी निकलकर प्रकाश में आ सकते हैं। यदि ये है तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक आश्रम में एक गृहस्थ आया और अपनी गाय देकर के गया। शिष्य बहुत खुश हुआ, दौड़ा दौड़ा गया अपने गुरुजी के पास, कहा कि गुरुजी, एक गृहस्थ आया था, उसने गाय दी है। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अब हमें रोज गाय का दूध पीने को मिलेगा। अब एक हफ्ते के बाद वो गृहस्थ आया और अपनी गाय को लेकर के वापस चला गया।
अब शिष्य फिर से दुखी होकर के दौड़ा दौड़ा गया अपने गुरु जी के पास। कहा, गुरु जी वो जो गृहस्थ हमें गाय दे के गया था, जिसकी जिसका दूध हम रोज पिया करते थे, वो अपनी गाय लेकर के चला गया। गुरु जी ने उसी शांत भाव से, उसी शालीनता से कहा, ये बहुत अच्छी बात है, अब रोज रोज गोबर उठाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। जब पहले गाय दे के गए थे तब भी उनका चित शांत था, सुकून से भरा था, गाय चली गई तो भी शांत और सुकून। विचार यदि सकारात्मक हैं तो हर चीज़ का हम आनंद ले पाते हैं, और यही चीज़ हम सबको अपने जीवन में अपनानी है, सीखते हुए आगे बढ़ना है। सकारात्मकता की इस सुंदर सीख के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और अभिनंदन करते हैं ब्रह्मा कुमारी विनीता बहन जी का, जो कि सैट विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आप पॉजिटिव माइंडसेट पर अपने सुंदर विचार हम सबके साथ साझा करने जा रही हैं। तत्पश्चात अपने अनुभवों के साथ हमारी साथ होंगी बहन ईशा दुधोरिया जी, जो कि प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट हैं। पश्चात हम सब राजयोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे, जिसका अभ्यास हम करते आ रहे हैं और जिससे मन बहुत सशक्त हो जाता है, शांत हो जाता है, ये अनुभव हम करते आ रहे हैं। इसका सुंदर अनुभव हमें कराएंगी ब्रह्मा कुमारी उज्ज्वला बहन जी, जो पिछले 27 वर्षों से नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। आप मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं। आइए अभिनंदन करते हैं। हमारा मन एक ट्रेजर हाउस है, जिस ट्रेजर हाउस में बहुत सारी सुंदर ट्रेजर्स हैं। उसमें से एक विशेष ट्रेजर है ज्वेल ऑफ पॉजिटिविटी। जब हम इस ज्वेल को पॉलिश करेंगे तब हमें इसकी चमक और चमत्कार अपने जीवन में दिखाई देगी। एक यंग लड़का पहली बार नींबू का जूस बना रहा था। एक्सपीरियंस न होने के कारण उसने एक ग्लास पानी में एक नींबू निचोड़ने के बजाय 3 नींबू का रस निचोड़ दिया। जब वो पानी पीता है वो रियलाइज करता है कि ये पानी तो बहुत ही खट्टा है, इसे तो मैं पी नहीं सकता हूँ। अच्छा, इसे फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है और ये जूस भी वेस्ट जाएगा। ये पानी में से एक्स्ट्रा खटास निकालूं कैसे? तब उसे एक आइडिया सूझती है। वो उस एक ग्लास जूस में और 3 ग्लास पानी डाल देता है। जब वो ऐसा करता है तो वो एक्स्ट्रा खटास जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, थोड़ा और शहद मिला लेता है, अब वो जूस बहुत टेस्टी बन जाता है। अब उसके पास सिर्फ 1 ग्लास जूस नहीं लेकिन 3 और ग्लास जूस थे, जो वो औरों को भी सर्व कर सकता था। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी खट्टी बातें होती हैं, कभी हमारे गलत बोल के कारण, गलत सोच के कारण, गलत कर्म के कारण, गलत निर्णय के कारण, और हम उसका परिवर्तन करने की कोशिश भी करते हैं पर कई बार वो इरिपेरेबल होती है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम प्रयास भी जरूर करना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन आज है वो है और अच्छी बातें अपने जीवन में डालते जाना। जब हम अपने जीवन में अच्छी बातें डालते जाएंगे तो जीवन में जो खट्टी बातें हुई हैं, जीवन की जो खटास है वो कम होती जाएगी, वो डाइल्यूट होती जाएगी और हमारा जीवन के प्रति एक्सपीरियंस जो है वो चेंज हो जाएगा। एक लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने वजन से अधिक लगभग 12 गुना वजन उठा सकता है, और यदि उस लोहे के टुकड़े को डीमैग्नेटाइज करते हैं, उसमें से वो चुंबक की शक्ति को हटा देते हैं, तो वो एक पंख भी नहीं उठा सकता। जब हमारा मन पॉजिटिविटी से चार्ज्ड है तो हम अपने क्षमता से अधिक कार्य कर सकते हैं, और यदि हमारा मन नेगेटिविटी से भर जाता है तो हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं।
एक इलेक्ट्रिशियन से पूछा गया कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव क्या होता है, तो वो कहता है वो तो उसके मैकेनिज्म पर आधारित है। आप उससे सर्दी, गर्मी, ऊर्जा, म्यूजिक, शक्ति, जो निर्माण करना चाहो आप निर्माण कर सकते हो। हमारे मन की मैकेनिज्म किस तरीके से चलती है, उसी तरीके से हम अपने जीवन में सुख या दुख का निर्माण करते हैं। जीवन में पॉजिटिविटी को अनलॉक करने के लिए पहली की है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक अर्थात स्वयं से बात करना। हम सारा दिन अपने आप से बात करते रहते हैं, अंदर में एक जैसे ना चैटर चलती रहती है। तो हम अपने आप से क्या बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं या नेगेटिव बात करते हैं? हम सबके जीवन में कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं। उन गोल्स तक पहुंचाने का कार्य या उनसे दूर करने का कार्य करता है हमारा ही सेल्फ टॉक। बचपन में हमें सिखाया जाता था औरों से कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बेटा ऐसे बात करो, ऐसे बिहेव करो। पर स्वयं से बात करना क्या किसी ने हमें सिखाया? क्या हमने इसकी ट्रेनिंग ली? और इसके कारण हमें अपने जीवन में कई गलतियां भी कर बैठते हैं। कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, इसकी ट्रेनिंग शायद हमें नहीं मिली। जो हम मन में बार बार बोलते हैं वो है हमारी मन की भाषा, जिसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। जो हम मन में बार बार बोलते हैं वो बन जाता है हमारा मन का प्रोग्राम। आपने देखा होगा जो जादूगर होते हैं वो अक्सर करके एक वाक्य का प्रयोग अपने जादू में करते हैं, और वो है एब्रा का डैब्रा। अब ये एब्रा का डैब्रा ये एक एरामाइक फ्रेज है जिसका अर्थ है आई क्रिएट एज आई स्पीक। तो है ना ये जादुई वाक्य। तो जब हम इस जादुई वाक्य को यूज करेंगे, आई क्रिएट एज आई स्पीक, इसके बारे में हम अवेयर हो जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे आप बहुत अवेयर है, आप क्या बोल रहे हो, आप अपने मन में अपने आप से क्या बात कर रहे हो। जब हम कहते हैं मैं बहुत लक्की हूं, तो जैसे लक भी सोचता है कि कोई मुझे पुकार रहा है, और लक हमें ढूंढते हुए आता है। और जब हम कहते हैं मैं तो दुर्भाग्यशाली हूं, तो दुर्भाग्य के कान खड़े हो जाते हैं। दुर्भाग्य भी सोचता है कि किसने मेरा नाम लिया, और वो हमें ढूंढते हुए आता है। तो आप सोचिए आप अपने जीवन में किसको इनवाइट कर रहे हो, भाग्य को या दुर्भाग्य को? हम अपने कॉन्शियस माइंड द्वारा जो बार बार बोलते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह है। शिप का कैप्टन जो इंजन रूम में काम करने वाले होते हैं उनको ऑर्डर्स देता है। शिप का कैप्टन बाहर देख सकता है क्या चल रहा है, उसके आधार पर वो ऑर्डर देता है, और जो इंजन रूम में काम करने वाले हैं वो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड जो ऑर्डर देगा उसी प्रकार हमारा सब कॉन्शियस माइंड फॉलो करेगा। तो राइट ऑर्डर्स देना बहुत जरूरी है। हम चेक करें हमारा मन कौन सा ऑर्डर दे रहा है हमारे सब कॉन्शियस माइंड को। जब हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, जैसे हमारे जीवन में एक सकारात्मकता की ऊर्जा फैलती है। इसके लिए हम एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस के साथ हम एक स्टेटमेंट डाल दें, और वो स्टेटमेंट है और मैं ऐसा ही चाहता हूं। मान लीजिए हम कहते हैं
कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं लक्की हूँ, तो हम कहें और मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तब जैसे हम कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ मेरी यही चाहना है। इसी प्रकार कोई नेगेटिव स्टेटमेंट जब हम कहते हैं और आप ये वाक्य ऐड कीजिए और मैं ऐसा ही चाहता हूँ, तो आप अपने मन में सोचेंगे क्या मैं ऐसा ही चाहता हूँ, नहीं ना। तो ये अंदर में हम टेस्ट फिल्टर करेंगे और ऐसे वाक्यों को हम अपने जीवन से हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं जैसे मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, सब लोग मेरे साथ ऐसे ही चलते हैं, तो हम उसको पास्ट में लेकर जाएं। हम कहें मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी पर अब अच्छी है। तो जब हमने ऐसा कहा तो हमने जैसे उस बात को हम पास्ट में लेके गए, अब वो हमारे जीवन में है नहीं। इस प्रकार करने से हमारे मन की भाषा शुद्ध होती जाएगी और सकारात्मक बनती जाएगी। पॉजिटिविटी को अनलॉक करने के लिए दूसरी की है डिटर्मिनेशन एंड डिटैचमेंट। कहते हैं डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प करता है उसे सफलता मिलती ही है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। हम सब बचपन में एक गेम खेलते थे, वो है सांप और सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर्स। हम बहुत एंजॉय करते थे। आज भी हमारे जीवन में वो गेम चल रहा है, पर आज क्या हम एंजॉय कर रहे हैं? जो सांप है वो है हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स और सीढ़ी है अपॉर्चुनिटीज। जब हम डाइस को रोल करते थे तो हमें सीढ़ी मिल जाती थी, अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी, और कभी डाइस रोल करते थे तो सांप भी काट लेता था। पर जब सर्प काट लेता था तो हम ये सोचकर नहीं बैठते थे, अरे सर्प ने मुझे काट लिया, अभी हम खेलेंगे नहीं। नहीं, हम डाइस रोल करते थे, फिर से हमें एक सीढ़ी मिल जाती थी। इसी प्रकार ये सिंपल गेम हमें मोमेंटम सिखाती है कि हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना, कभी भी रुकना नहीं, न हार खाने वाली एटीट्यूड हमारे जीवन में हो। तब हम अपने जीवन में चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। सर आइजक न्यूटन जो महान वैज्ञानिक रहे, उनके लाइफ पीरियड में भी एक ऐसा टाइम था जब वो यूनिवर्सिटी से घर गए, क्योंकि उस समय एक पैंडेमिक फैला था, तो एक क्वारंटाइन पीरियड था, और उस क्वारंटाइन पीरियड में उन्होंने बहुत सारे आविष्कार भी किए। तो कैसे उन्होंने अपने लाइफ के चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। तो ये होता है हमारे थॉट पैटर्न पर, हमारे डिटर्मिनेशन पर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक जब टीवी देख रहे हैं और कोई सीन पसंद नहीं आ रही है टीवी पर, तो आप क्या करेंगे? आप या तो चैनल चेंज करोगे या तो फिर स्टॉप करेंगे। तो जब हमारे मन में भी कोई ऐसी नेगेटिव सीन आती है जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारे पास कौन सा ऐसा रिमोट है जिससे हम स्टॉप कर सकते हैं या हम उस चैनल को चेंज कर सकते हैं? तो हम सबके पास वो रिमोट है, दैट इज रिमोट ऑफ डिटैचमेंट, विड्रॉ करना। जब हम विड्रॉ करना सीखते हैं तो जैसे हमारे अंदर एक शक्ति निर्माण होती है। आपने देखा होगा जैसे टॉर्टाइज होता है, तो उसको जब कुछ एनिमी अटैक करता है तो वो अपने कर्म इंद्रियों को जैसे अंदर विड्रॉ कर लेता है, और जब उसको भोजन खाना है वो एक्सपैंड कर लेता है। तो ये है एक बहुत सुंदर पावर, दैट इज पावर टू विड्रॉ। मेडिटेशन द्वारा आप अपने मन के विचारों को जैसे विड्रॉ कर सकते हो, और जब आप विड्रॉ कर सकते हो तो आपके मन में एक साइलेंस क्रिएट होता है,
और वो साइलेंस द्वारा आप अंदर में शक्तिशाली बनते हो। कभी आपने देखा होगा कि आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, बहुत ढूंढने के बाद भी आपको वो प्राप्त नहीं होता, फिर आप ढूंढना ही छोड़ देते हो, और जब आप साइलेंस में बैठ जाते हो तो सडनली आपको क्लिक होता है कि मैंने वो चीज यहां रखी है। तो वो कब क्लिक हुआ? जब आप साइलेंस में बैठे ना। तो ऐसे ही आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, आपका कॉन्शियस माइंड उसे उसमें कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। तो जब आप विड्रॉ कर लेते हो और साइलेंस में बैठते हो, उस साइलेंस में आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो जब हम इस पावर ऑफ डिटैचमेंट यानी मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं एंड उसे चेंज भी कर सकते हैं। तीसरी की टू अनलॉक पॉजिटिविटी है सेल्फ अवेयरनेस। हम सभी सेल्फी तो लेते हैं, पर हम स्वयं के बारे में कितना अवेयर है? हम दूसरों के बारे में तो बहुत अवेयर होते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर खुद के बारे में, हमारी गुण क्या है, हमारी विशेषताएं क्या है, हमारी टैलेंट्स क्या है, इसकी अवेयरनेस शायद हमें कम है। 18th सेंचुरी के दौरान एक व्यक्ति जब न्यूज़पेपर उठाकर देखता है तब उसमें उसकी मृत्यु की खबर छपी थी। ये खबर देखकर वो बहुत नाराज होता है। वास्तव में उसकी भाई की मृत्यु हुई थी और गलती से उसका नाम छपा था। जब उसका मन शांत होता है तो वो सोचता है, देखे तो सही मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। उस न्यूज़पेपर में छपा था, द किंग ऑफ डायनामाइट डाइड एंड ही वॉज द मर्चेंट ऑफ डेथ। तो वो सोचता है कि क्या मेरी ये इमेज है, क्योंकि वास्तव में उसने डायनामाइट की खोज की थी। उन्होंने ये खोज सकारात्मक कार्यों के लिए की थी, पर वो युद्ध के शस्त्रों में भी यूज किया जा रहा था। तब उसने डिसाइड किया कि मुझे मेरी सेल्फ इमेज को चेंज करनी है, और तब से उन्होंने शांति के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया और उस क्षेत्र में बहुत उनका योगदान रहा। उस महान व्यक्ति का नाम था अल्फ्रेड नोबल, और आज भी उनके नाम से पीस प्राइज दिया जाता है। तो एक डीप रियलाइजेशन ने उनके जीवन में बहुत परिवर्तन लाया। जब हम अपने बारे में अवेयर होते हैं, अपनी क्वालिटीज के बारे में, अपने टैलेंट्स के बारे में, तब हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें किसी और से कम्पीट करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप से ही कम्पीट करें। एक मूर्तिकार से पूछा गया कि आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाते हो? तो उस मूर्तिकार ने कहा कि सुंदर मूर्ति तो है ही, मैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा पत्थर निकाल देता हूं। तो वो सुंदर मूर्ति जो है वो मूर्तिकार देख सकता है, जो शायद हम और आप नहीं देख सकते हैं। तो क्या हम अपने अंदर की छिपी हुई ब्यूटी को देख सकते हैं कि मेरे अंदर क्या विशेषता है, कौन सी टैलेंट है, कौन से गुण है, कौन सी शक्तियां हैं? जब हम अपने बारे में अवेयर हो जाएंगे, सेल्फ की अवेयरनेस को जागृत करेंगे, स्वयं की सोल की क्वालिटीज को जागृत करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि मैं एक सोल हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ और मेरे अंदर ये सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, तो हम इन अवेयरनेस के द्वारा अपने जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं और स्वयं के जीवन को बहुत खुशनुमा और पॉजिटिव बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम ईशा है एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ पायलट वर्किंग विद अ प्राइवेट एयरलाइन इन इंडिया। आई एम प्रैक्टिसिंग दिस मेडिटेशन राजयोगा मेडिटेशन टॉट बाय ब्रह्म कुमारीज फॉर पास्ट 2.5 years एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड वंडरफुल चेंजेस विद इन माई सेल्फ। दिस मेडिटेशन इज ऑल अबाउट transformation of your own self, a journey
to make all the changes that makes you uncomfortable with yourself, basically. And it has really, really made me very, very calm. The rate of thoughts which run in our mind with this meditation, for me, it has reduced a great deal, which really, really helps me in my profession where we need to take quick decisions. It has helped me understand other people better, which eventually helps me in my job where we are meeting a lot of people, different kind of people with different nature. And it makes me very flexible to adjust with these different natures of people. And my everyday turns out to be very smooth because I am able to understand them better. And all we needed, or all I needed, was just 1 hour in the morning for myself. Even if you don't have 1 hour, probably 30 minutes and I'm very regularly now studying the Murli classes, and it honestly speaking, probably you might not even have to do anything apart from just spending some time at the center, or probably just in the morning taking out some time for yourself. And the transformation is gradual, but it happens so naturally when you are doing it that when you look back, it feels like yes, you have really, really worked on yourself. But it's very easy, very gradual, very comforting for your own self, basically. And it makes you feel very easy, very light in your mind, which in turn makes you a very positive and a vibrant person. And people start liking your company even more. And in the times like this, where everything is so negative around, and if there is something that can keep you positive, then people really appreciate it. And I feel that with the people around me, and it's only possible because I am happy, and that's why I'm able to keep people around me happy. And to keep me happy, this meditation has helped me a lot. And it has really, really transformed my mind, as in the purpose of my life is clear, and the way I want to live my life is clear, and there's a lot of clarity in my mind. And because of this reduced thoughts, I have a lot of time in the day which I can devote to a lot of things which I want to do, and focus has improved. And the most biggest issues which we face at work or at home is issues with people. And with this meditation, when you understand your own self, and when you understand other people, all the negativity with people starts fading away within you, and you become very, very light and easy. And due to which other people feel very comfortable around you. And this is my own personal experience that I can feel. And I think it's a meditation which everybody should learn, because it's very easy. It can be done at any time of the day, whenever you want, wherever you are, whatever time you have. And it can be done while doing whatever activity you are doing. It's a beautiful, beautiful experience. And I wish every one of us has this experience and feel great about themselves and about their life as well. Thank you so much. Om Shanti. जर्नी अर्थात यात्रा। जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं,
नए स्थान, नई चीजों को डिस्कवर करते, नए रहस्यों को अनुभव करते। इस लाइफ जर्नी में हम कई चीजों का अनुभव करते आ रहे हैं। आज इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हम एक ऐसी यात्रा करेंगे जिस यात्रा में हम डिस्कवर करेंगे स्वयं की सत्यता, अर्थात अपने ओरिजिनल नेचर को। जीवन में कई बार नकारात्मकता अनुभव होती है, हम चाहते हैं कि पॉजिटिविटी को अनुभव करें। तो चलिए आज की इस यात्रा में चिंतन के आधार से स्वयं की उस ओरिजिनलिटी को फील करते हैं, इमर्ज करते हैं, अनुभव करते हैं। आइए अब चलते हैं इनर जर्नी। अपना संपूर्ण ध्यान बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर ले आइए। स्वयं को दो आंखों के बीच एक सुंदर चमकता सितारा देखिए। मेरा रोल, मेरे रिलेशंस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनसे स्वयं को विड्रॉ कर मैन मटीरियल मनी से स्वयं को डिटैच कर। विजुलाइज कर दो आंखों के बीच मैं सुंदर चमकता सितारा, शाइनिंग स्टार इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। चिंतन कर चैतन्य शक्ति मेरा मूल स्वभाव शांति, शांति मेरी शक्ति। मैं शांत स्वरूप शांति मेरी नेचर है। आज तक मैं इसे ढूंढ रहा था, आज वो मैं स्वयं में अनुभव करती। मेरे अंदर शांति की सरिता बह रही, मैं उसे फील कर रही। मैं प्रेम स्वरूप मेरे अंदर
प्रेम के झरने बह रहे। शांति, प्रेम मुझे आनंद का अनुभव कराए। सुख स्वरूप मैं स्वयं एक शक्ति, इस समय मेरी आंतरिक शक्तियों का विकास हो रहा है। मैं पॉजिटिव एनर्जी, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति, यही मेरा स्वभाव, ओरिजिनल नेचर, यही मेरा संसार, यही मेरी प्रॉपर्टी। मैं स्वयं इसे इमर्ज कर रही, मैं पॉजिटिव एनर्जी मेरी चारों ओर शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति के वाइब्रेशंस फैल रही। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव कर रहा है। मेरी चारों ओर पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस मुझे स्वयं को और सारे अनुभव हो रही है। यह परिवर्तन मुझे सुख अनुभव कराता है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात इसी परिवर्तन से यह संसार एक दिन सुखमय संसार बनेगा। ओम शांति। योग सचमुच मन को कितनी गहराई से शांति और सुकून प्रदान करता है, स्थिर कर देता है। जैसे दीपक कहीं जल रहा हो और आंधी तूफान भी हो तो लौ डगमगाती रहती है, लेकिन यदि बिल्कुल ही शांत स्थल हो तो वो लौ कितना एकाग्रचित हो जाती है। वैसे ही जब हम योग करते हैं तो मन भी कितना स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। तो क्यों ना इस मेडिटेशन को हम अपने जीवन का एक अंग बना लें, ताकि हम अपने अंदर इस गहराई और शांति को, सकारात्मकता को अनुभव कर सकें।
और जो हमारी आज का विषय है कि हम पॉजिटिविटी को ढूंढें, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये है, लेकिन जैसे हमने ताला लगा दिया है, तिजोरी में बहुत धन संपदा हो लेकिन यदि हम उसे अनलॉक ही ना करें तो उस संपदा को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब हम अपने भीतर जाते हैं तो इस पॉजिटिविटी को अनलॉक कर पाते हैं। ऐसा ही एक पॉजिटिव युवा था जो राजयोग का अभ्यास किया करता था। एक बार वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बाद पहुंचा एक खुले मैदान में। ऊपर आकाश की तरफ उसने देखा, एक चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। उसने उसके चेहरे पे बिट कर दिया, गंदगी कर दी। अब यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो बहुत ही इरिटेट होता, नाराज होता, परेशान होता, शायद गाली भी देता उस चिड़िया को। लेकिन ये जो पॉजिटिव यूथ था, मेडिटेशन करने वाला, उसने दिल से ईश्वर को धन्यवाद दिया, ये ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया। जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बहुत पॉजिटिव था। उसने ये सोचा कि चलो ये चिड़िया थी, यदि इसकी जगह भगवान ने गाय और भैंस को पंख दिए होते तो क्या होता। शुक्रिया प्रभु, तुमने इन्हें पंख नहीं दिए हैं। यह है पॉजिटिविटी का कमाल, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रखता है और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आइए सकारात्मकता की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अभिनंदन करते हैं बहन पूजा जी का, जो कि एक बहुत सुंदर सा गीत लेकर हम सबके सम्मुख आ रही हैं, जो हमारे मन के तार को ईश्वर पिता से जोड़ देगा। पश्चात हमारे साथ होंगे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, जो कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के विषय पर अपने बहुत ही सुंदर अनुभव युक्त विचार हम सबके सम्मुख रखेंगे। आप योगी और तपस्वी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ख्याति है, आप टेलीविजन में लगातार अलग अलग प्रोग्राम देते रहते हैं और सबके अंदर खुशनुमा जीवन कैसे आए, कैसे लोग तनाव से मुक्त हों, कैसे समस्याओं से मुक्त हों, इस पर अपने सुंदर विचार रखते रहते हैं और लाखों लोगों को लाभान्वित करते रहते हैं। इसके पश्चात अपने सुंदर अनुभव लेकर हमसे जुड़ेंगे भ्राता संजीव कुमार पाठक जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में मुख्य वित्त प्रबंधक हैं। साथ ही हमसे जुड़ेंगे भ्राता गिरिराज सिंह राठौर जी, जो कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में सीनियर डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं। आइए इन सभी का अभिनंदन करते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें खत्म आती है आंधियों तो कर उनका खैर मखदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। Oh.
बड़ा है, हिम्मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते, हर दम हुआ पड़ा है, कभी हार ना ना, हिम्मत के कदम बढ़ाओ, कभी हार बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, हिम्मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। SAT कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी भाई बहने, आप सभी बहुत कुछ सीख रहे होंगे, समय भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है और समय अनुसार कुछ निगेटिविटी भी मनुष्य के मन में ज्यादा ही आ रही है, जो हमें विज्ञान ने वरदान के रूप में साधन दिए। गूगल आया, सोशल मीडिया चलने लगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन सबके पास हो गए, सबके पास बड़ा मोबाइल फोन हो गया, इन सब के कारण भी मनुष्य के मन में निगेटिविटी को बहुत बढ़ावा मिल गया है। अगर मैं कहूँ जैसा मुझे पता चलता है लोगों के कॉन्टेक्ट से कि निगेटिविटी और ज़्यादा सोचने की आदत इस समय महामारी बनती जा रही है और इनसे बढ़ रहे हैं मानसिक रोग, जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा सिद्ध होंगे। इसलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी जीश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग की शिक्षा के अंतर्गत हम अपने चिंतन को महान, पावरफुल, विशुद्ध, पॉजिटिव कैसे करें ये सिखाया जाता है। मैं उसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके सामने रखूंगा। मैं ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको आपके रोज के जीवन में लाभ हो, जो केवल थ्योरिटिकल ना हो, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान दें। हम सभी को ये जान लेना चाहिए कि हमारा ये शरीर है और मैं इसमें बैठी हुई चैतन्य आत्मा हूं। आत्मा बैठी है, आत्मा ही चेतन शक्ति है, आत्मा ही शरीर को चला रही है, आत्मा ही कर्म कर रही है। आत्मा में दो बड़ी शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। मन, हम जानते हैं, माइंड इज द पावर ऑफ थॉट, माइंड इज क्रिएटिंग थॉट कॉन्स्टेंटली, हम सदा ही सोच रहे हैं। जो शक्ति जिसे हम कहते हैं ना, देखो, विल पावर कहते हैं जिसे, मनोबल कहते हैं, मन का बल, जो बल है ना, जो सटिल पावर है, वो मन में निवास करती है, हमें जानना चाहिए।
और मन से हम निरंतर सोचते हैं तो मन की वो शक्ति धीरे धीरे यूज होती जाती है। जैसे हम अपनी बैटरी को, अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर दें, फिर धीरे धीरे वो यूज होते होते कम होगी, तो मन की शक्तियाँ भी धीरे धीरे कम होती रहती हैं। अब जब मनुष्य ज़्यादा सोचता है, आजकल का समय टेंशन में रहता है, उसको चिंताएं लगी रहती हैं, वो परेशानी फील करता है, संबंधों में टकराव रहता है, तो मन की शक्तियां तेजी से नष्ट होती जाती हैं। ये सत्य सिद्धांत हमें जानना चाहिए और ये शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट चीज है मनुष्य के जीवन के लिए। अगर मनुष्य के पास शक्ति नहीं होगी तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो। मन और बुद्धि दो ये शक्तियां आत्मा की। मनुष्य कितना बुद्धिमान हो लेकिन मन कमजोर हो, डरपोक हो, वो बहुत सोचता हो, मन सेंसिटिव हो, तो वो मनुष्य जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए बुद्धि के विकास के साथ साथ मन को शक्तिशाली बनाना भी परम आवश्यक होता है। तो जब हम ज्यादा सोचते हैं, जब हम निगेटिव सोचते हैं, क्योंकि निगेटिव थॉट्स की स्पीड फास्ट होती है, तो ऐसा करने से हमारे मन की शक्तियां तेजी से नष्ट होती रहती हैं। हम कमजोर होते हैं, हमारे वाइब्रेशंस वीक पड़ जाते हैं, जो समस्याओं को जन्म देते हैं। तो हमें ध्यान देना है। देखो, वैसे भी संसार में कोई चीज हमें नुकसान कर रही हो, किसी काम को करने से हमारा धन लॉस हो रहा हो, तो हम उसे तो कदापि करना नहीं चाहेंगे। तो हमें इस चीज को अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये मन की शक्ति हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इसे यदि हम नष्ट करते रहे तो हम जीवन में असफलता को प्राप्त होंगे, हमें कदम कदम पर कठिनाइयां होंगी, हम छोटी छोटी समस्याओं को फेस नहीं कर पाएंगे, अनेक मानसिक रोगों के शिकार हो जाएंगे। इसको हम महत्व दें। तो हमें संकल्प बहुत सुंदर करने हैं, अच्छा भी सोचना है, पॉजिटिव भी सोचना है, और अगर हमारा थिंकिंग मोस्ट एलिवेटेड थिंकिंग हो जाए, बहुत उच्च कोटि के विचार हम करने लगे, तो हमारे जीवन की यात्रा एंजॉयमेंट से भरपूर हो जाएगी, कदम कदम पर हमें सफलता मिलेगी, हम अपनी मंजिल पर अपने लक्ष्य को सहज प्राप्त कर सकेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, किसी बहुत अच्छे परिवार की प्रैक्टिकल कहानी है। वो गरीब थे, उनकी माँ छोटा मोटा काम करती थी, ये बच्चे भी बूट पॉलिश करके कुछ कमाते थे, थोड़ा पढ़ते थे। माँ ने इन्हें एक चीज सिखा दी, जब वो रोज घर में आए तो उनसे पूछते थे, आज कौन सी अच्छी बात हुई तुम सबके साथ, तो वो सोचने लगे और रोज एक अच्छी बात सुनाने लगे। और माँ ने उनको ऐसा तैयार कर दिया, दो चार मास में ही वो रोज रात को जब घर आए तो आज क्या क्या अच्छा हुआ इस पे चिंतन करें, छोटी छोटी बातें भी उन्हें अच्छी लगने लगी और वो अच्छा करने लगे। और उनके लिए लिखा है कि वो कुछ नहीं थे और उसी जीवन में वो सब कुछ बन गए, और अब जब वो फैक्ट्रियों के मालिक हैं तो भी सोचते हैं आज अच्छे से अच्छा क्या हुआ, रोज से हमको सोचते हैं। तो देखिए, हमारा चिंतन हमारे श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करता है, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। आप जितना सुंदर चिंतन अपने को देंगे उतना ही आपका भविष्य सुंदर बन जाएगा। मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद कि आप सवेरे उठकर क्या क्या सोचो। मैं इससे पहले एक चीज लेना चाहता हूं, जो आजकल की बहुत लोगों की प्रैक्टिकल समस्या है। इस संसार के अधिक लोग पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, कुछ लोग फ्यूचर की चिंताएं ज्यादा करते हैं, बच्चों की चिंताएं सबको बहुत होती हैं। जैसा अब समय आ गया लॉकडाउन का, बच्चों की पढ़ाई पर असर आ गया, काम धंधों पर असर आ गया, सबके पैसे पर असर आ गया, इकोनॉमिकली सभी डाउन चले गए,
चिंताएं होती हैं, बड़ी नेचुरल सी बात है। मनुष्य का मन निगेटिव हो जाता है, लेकिन निगेटिव होने से भी हमें मिलेगा क्या? हमें सोचना ये है कि हम निगेटिव सोचते तो रहें कि पता नहीं इन बच्चों का क्या होगा, अब ये डल ना हो जाएं, ये खेल कूद भी नहीं कर पा रहे हैं, इनका वजन ना बढ़ जाए, इनके फ्रेंड्स से भी ये नहीं मिल पा रहे हैं, इनको कुछ और बीमारी लग जाए, ये निगेटिव सोचने से हमें मिलेगा क्या? तो हम क्यों ना पॉजिटिव हो जाएं? पास्ट में मनुष्य रहता है। देखिए, पास्ट का जो चिंतन करता है मनुष्य, उसको क्या क्या नुकसान है जरा उस पर विचार करो। अब वो पास्ट का चिंतन कर रहा है तो नया चिंतन उसके मन में होता ही नहीं, उसकी एक बहुत बड़ी क्रिएटिव एनर्जी जो माइंड में है वो इनएक्टिव हो जाती है, वो काम नहीं करती और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाती है, डल होके समाप्त हो जाती है। बहुत बड़ा नुकसान है। उसका मन सारा दिन उदासी में रहता है, वो वर्तमान प्राप्तियों को एंजॉय नहीं कर पाता है, जबकि पास्ट को बदलने की शक्ति किसी में नहीं है। मैरिज हुई किसी की, 2 साल चली, डिवोर्स हो गया, 2 साल पहले का प्यार और फिर लास्ट 1.5 साल में जो जो कुछ होता रहा वो मेमोरी में प्रिंट हो गया। अब सोते उठते वही सीन सामने रहता है। बहुत बड़ा नुकसान होता है इससे। हम सभी को एक बहुत सुंदर सिद्धांत याद रखना, ये सिद्धांत आज से आप भूलना नहीं, और इसको कहीं ऐसी जगह लिख के रख लेना जो आपकी नजर रोज इस सिद्धांत पर जाए। और वो सिद्धांत है कि हमारे हर संकल्प से, हमारे हर विचार से एनर्जी जनरेट होती है, शक्तियां पैदा होती हैं हर विचार से, और ये शक्तियां पहले आत्मा यहाँ है तो यहाँ से ब्रेन में फैलती हैं, देह में भी फैलती हैं, बाहर भी फैलती हैं, इफेक्ट डालती हैं ब्रेन पर भी, हेल्थ पर भी, आपके चारों ओर के एनवायरनमेंट्स पर भी। आप निगेटिवली वातावरण को चार्ज कर रहे हैं, निगेटिव वाइब्रेशंस, कमजोर वाइब्रेशंस आपके चारों ओर फैल रहे हैं, जो आपके जीवन की अनेक कठिनाइयों का कारण बन जाएंगे भविष्य में। तो आप सोच लो, वो पास्ट जिसको हम बदल नहीं सकते, जिस पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं है, उसके बारे में सोच सोच कर हम परेशान क्यों हों? हिंदी में इसके लिए कहावत है, जो पास्ट की बातें बहुत करते हैं ना, लोग कहते हैं गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। मुर्दे गाड़ दिए गए जमीन में, उनको कोई उखाड़े तो बदबू आएगी ना, कितनी बदबू आएगी, वहां कोई खड़ा भी नहीं रह सकेगा। पुरानी और बीती हुई बातों को, सड़ी गली बातों को अगर आप याद करेंगे तो जीवन में बदबू नहीं भरेगी क्या? आपके व्यवहार में गंदगी आ जाएगी, आपके विचार गंदगी से भर जाएंगे, आपके कर्मों पर उसका इफेक्ट होगा, आपकी मेमोरी पर उसका इफेक्ट होगा, आपके भविष्य पर उसका इफेक्ट, सफलताओं पर उसका इफेक्ट होगा। तो आज से बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दो पास्ट को, जो हो गया वो हो गया, होली जला दो, होली जला दो उसकी, और अपने मन में नए संकल्पों का सृजन करो, क्रिएट करो नए थॉट्स जो आपके भविष्य को बहुत सुंदर बना दें। बहुत सुंदर ये बात है, सभी इस पर ध्यान देंगे। आजकल क्या हो गया है कि मनुष्य की अपनी क्रिएटिव एनर्जी क्यों नष्ट हो गई? विचार करें, आज के समाज में क्या बुराई आ गई है जिसकी अवेयरनेस बुद्धिमान लोगों को है ही नहीं, युवकों को तो बिल्कुल कम है। सवेरे उठे, उठते ही व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर की चीजें देखने लगे, फिर सोने का समय आया फिर वही देखने लगे, तो उठते सोते मन में अनेक तरह की गंदगी भर गई। मन के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव पावर है, जो नई इंट्यूशंस उसको प्राप्त हो सकती हैं, जो सुंदर विचार भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, वो सब खत्म। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, जो हमारी नई पीढ़ी अधिकतम इन चीजों में लगी हुई है उनका भविष्य निश्चित रूप से अंधकार में है। जो थोड़े अच्छे बच्चे हैं, युवक हैं, जो
जो अपने कैरियर को बहुत सुंदर देखना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों से थोड़े मुक्त रहते हैं। तो हमें ये याद रखते हुए कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, हमारे मन में बहुत खजाना है संकल्पों का, ग्रेट थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स हमारे मन में समाये हुए हैं, वो हमारा खजाना होता है, वो जीवन के सुखों का, दुखों का, सफलता का, असफलता का, बीमारियों का, हेल्दी लाइफ का आधार बनता है। हमारा जीवन स्ट्रेस फ्री रहेगा, हमारे संबंधों में प्रेम रहेगा, हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनकर रहेंगे, हम एक दूसरे को साथ देंगे, हम जीवन की यात्रा को पूरी तरह एंजॉय करेंगे। ये हमारे विचारों पर ही तो डिपेंड करता है। जहाँ स्वार्थ है, जहाँ ईगो है, जहाँ क्रोध है, जहाँ गलत बोल बोले जाते हैं, वहाँ संबंध कैसे बिगड़ जाते हैं, धन संपदा भी बेकार लगती है। तो क्यों ना हम सुंदर विचारों को क्रिएट करें अपने मन में, पास्ट को भी भूलें, केवल वर्तमान में सुंदर विचार क्रिएट करें, भविष्य हमारा निश्चित रूप से बहुत सुंदर हो जाएगा, हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। देखिए, आप देख लीजिए, जब आप काम पर जाते हैं सवेरे सवेरे, जितने बजे भी आपकी ड्यूटी होती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, अलग अलग टाइम पर जाते हैं, आप घर से बहुत फ्रेश जाते हैं या कुछ टेंशन लेकर कारोबार पर जाते हैं, आप बहुत एक्टिव होकर जाते हैं या सुस्त सुस्त जाते हैं, आपको कार्य का एंजॉयमेंट मिलता है या आपके कार्य आपको थकाते हैं, आपको चिंतित करते हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर भारी पड़ रही हैं, ये सब मनुष्य के विचारों का खेल है ना। हम पॉजिटिव हो जाएं। गिलास के पानी का उदाहरण दिया ही करते हैं आपको, औरों ने बताया होगा आधा गिलास पानी भरा, किससे पूछा, उसने कहा आधा गिलास खा लिए तुम्हारा पानी, कितना पानी दिया, और दूसरे ने कहा नहीं आधा गिलास भरा हुआ काफ़ी है मेरे लिए। ये सोचने का तरीका है ना। हम भी अपने पूरे जीवन के लिए अच्छा सोचे करें। हमारे परिवार में जो कुछ है वो बहुत अच्छा है, हमारे पास जितनी धन संपदा है वो बहुत अच्छी है, जो हमारा पद पोजीशन है वो बहुत अच्छा है, हम उसको आगे जरूर बढ़ाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं हम अपनी प्रगति को रोक देंगे, पर जो कुछ वर्तमान में है उसमें हम खुश रहना सीखें, उसमें हम संतुष्ट रहना सीखें, उन प्राप्तियों को हम एंजॉय करें। हमने कुछ बड़े बड़े लोगों को देखा, एक ऐसे बड़े व्यक्ति को भी देखा जो सेशन जज थे, अभी की बात नहीं कुछ साल पहले की, लेकिन उनको हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया गया तो उदास रहते थे। दूसरे लोग जो सेशन जज थे वो खुश थे कि वाह कितनी सम्मानित पोस्ट है हमारी, समाज में हमारा बहुत सम्मान है। ये विचारों की बात है ना। तो हम निगेटिव बिल्कुल न हो, हम हर चीज को पॉजिटिव बनाना सीख लेंगे। निगेटिव हो भी गया हो ना, हम उसको पॉजिटिव कर दें। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे ही आश्रम की एक गाड़ी अब रोड से अहमदाबाद जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, वो किसी बाहर की व्यक्ति की गाड़ी थी, उसमें बैठ के जा रहे थे तीन लोग हमारे यहाँ के अहमदाबाद। एक्सीडेंट बड़ा हो गया तो गाड़ी तो पूरी नष्ट हो गई, नई गाड़ी थी, लेकिन इन चारों को कुछ नहीं हुआ। अब वो जो गाड़ी का मालिक था वो दुखी होने लगा, अभी तो गाड़ी खरीदी थी, क्या मेरा भाग्य है, गाड़ी खत्म हो गई, देखा अब मुझे इंश्योरेंस वालों के पीछे भटकना पड़ेगा, कितने दिन लग जाएंगे। लोगों ने उसे समझाया, जो हमारे यहाँ के बैठे थे उन्होंने उन्हें बताया, अरे गाड़ी नष्ट हो गई, हम और तुम जिंदे हैं ये कोई छोटी बात है, गाड़ी आपकी 15 लाख की और हमारा जीवन कितना अनमोल चारों का, इसलिए क्यों नहीं खुश होते कि एक बड़ी ग्रहचारी गाड़ी पर खत्म हो गई। ये सोच है ना। तब उसको भी थोड़ी जागृति आई, उसके चित्त में भी पॉजिटिविटी आई, उसको भी कुछ प्रसन्नता हुई कि हम बच गए, गाड़ी तो हमने खरीदी थी ना, क्रिएटर हम हैं, फिर खरीद लेंगे, चलो इंश्योरेंस से कुछ ना भी मिलेगा तो हम तो हैं। ये मनुष्य के पॉजिटिव विचार हैं।
सवेरे जैसे ही आप उठें, बहुत अच्छा करेंगे, थोड़ा सा जल्दी उठा करें, ये नहीं आप उठते ही और भाग दौड़ करके ऑफिस जा रहे हैं, वो टेंस लाइफ हो जाती है। थोड़ा अपने लिए आपके पास टाइम रोज होना चाहिए, आधा घंटा आप शांत में अपने बारे में कुछ सोच सकें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज मनुष्य ये गलती कर रहा है कि वो अपने को समय नहीं दे रहा है, वो भागदौड़ का जीवन जी रहा है, क्योंकि लेट उठता है, बस नहा धो के नाश्ता करके भागे काम पर, शुरुआत ही दिनचर्या की टेंशन से करते हैं, ये गलत दिनचर्या है। थोड़ा सा जल्दी उठो, टाइम पे सो जाओ, आधा घंटा अपने लिए स्पेयर रखो रोज के। उठते ही हमें काम धंधों की बातों में, इधर उधर की बातों में, टीवी में और लैपटॉप पर नहीं जाना है, अपने अंदर चलना है। मैं आत्मा हूँ, यहाँ बैठी हूँ, थोड़ा मुझे मेडिटेशन करना है और अच्छा चिंतन करना है। हमारा अच्छा चिंतन हमें चार्ज करता है सवेरे सवेरे, तो चिंतन करेंगे, मैं आत्मा हूँ, भगवान की संतान, मेरा पिता तो स्वयं भगवान है, ये शरीर का पिता वो मुझे आत्मा का पिता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो सर्वशक्तिवान है, उसने मुझे अपनी शक्तियां भी दी हैं, वो भाग्य विधाता है, उसने मेरा भाग्य भी बहुत सुंदर बनाया है, वो शांति का दाता है, उसने मेरे जीवन में भी शांति भरपूर कर दी है। इसको मेडिटेशन कहते हैं, ये चिंतन सवेरे सवेरे करेंगे। फिर ऐसा सोचना, मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे परिवार में बहुत सुख शांति है, मैं बहुत धनवान हूँ, भगवान ने मुझे बहुत धन दिया, पर्याप्त धन दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान को शुक्रिया करना अच्छा परिवार देने के लिए, सबके लिए संकल्प करना, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत चरित्रवान हैं, इनका भविष्य बहुत सुंदर है। और लास्ट में एक संकल्प करना, कभी नहीं भूलना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे परिवार के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, कई कई बार ये संकल्प करना। तो आपको याद रहे, जो संकल्प आप सवेरे उठकर बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं, तो उसका निर्माण होता है, आप निर्माता हैं अपने भाग्य के, और वो होगा आपके श्रेष्ठ संकल्पों से। इसलिए आप सवेरे थोड़ा जल्दी उठकर वही वही सोचेंगे जो आप चाहते हैं, अपने परिवार के लिए भी, अपने लिए भी, अपने भविष्य के लिए भी, बच्चों के भविष्य के लिए भी, अपने धन के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, जो आप चाहते हैं उसकी विजन बार बार बनाएंगे। लेकिन सवेरे थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आपके मन में शक्ति रहेगी, और जो आपके पॉजिटिव थॉट्स होंगे, जो सुंदर विचार होंगे, उनकी तरंगे दूर दूर तक फैलेंगी, वो प्रकृति में जाएंगी और उन्हीं चीज़ों का निर्माण करके आपके पास वापस भेज देंगी, ये सिद्धांत है इसका। तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अपने घर में एक स्लोगन आप लिख के रख दें, ताकि आपके बच्चे, घर में आने वाले लोग उसको पढ़ें। हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। रोज आप भी एक बार अवश्य पढ़ लिया करें, हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो आइए हम सभी, आप सभी अपने चिंतन पर दृष्टि डालें, चेक करो अपने चिंतन को, हम क्या सोचते हैं, हम कहीं वो तो नहीं सोच रहे जो हमें सोचना ही नहीं चाहिए, हम वो तो नहीं सोच रहे हैं जो गलत है बिल्कुल, जो हमारे भविष्य पर इफेक्ट डालेगा, कहीं हम पास्ट में तो नहीं जी रहे हैं,
कहीं हम दूसरों के लिए बुरा बुरा तो नहीं सोच रहे हैं। आपको ये नहीं भूलना है, आपके सोच के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, जिसके लिए आप सोचते हैं वो उस तक जाते हैं, उससे टकरा के वापिस आपके पास आ जाते हैं। याद रखेंगे सदाई, जो आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं उसके वाइब्रेशंस उसके पास जाएंगे, टकरा कर डबल होकर आपके पास वापिस आ जाएंगे। अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं तो ये बुराई आपके पास वापिस आ रही है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छे वाइब्रेशंस आपको वापिस आ रहे हैं। तो इन चीजों पर बहुत ध्यान देंगे आज से, अपने चिंतन को पॉजिटिव भी करेंगे, अच्छा सोचेंगे, बहुत महान चिंतन करेंगे। राजयोग हमें महान चिंतन सिखाता है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें महान कार्य करने हैं, ये प्रेरणा मिलती है। तो आप सभी का जीवन पॉजिटिविटी से भरपूर हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आपके परिवार सभी सुख शांति में जीवन व्यतीत करें, यही हमारी श्रेष्ठ कामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार पाठक, मैं JNPT में मुख्य प्रबंधक वित्त के पद पर कार्य कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा ब्रह्म कुमारी संस्था को कि जो इतना अच्छा कार्यक्रम लिंकिंग हर्ट्स का ई कॉन्फ्रेंस के द्वारा करने जा रहे हैं, तो मेरी बधाई है, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। वैसे मेरा पुराना नाता रहा है ब्रह्म कुमारी के साथ। जब 2012 में मैं माउंट आबू गया था, मुझे जानकारी मिली कि एक कार्यक्रम होने वाला है शिपिंग एंड टूरिस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। अध्यात्म की ओर झुकाव होने के कारण मैंने इस अवसर को नहीं गंवाया और मैं चला गया। वहां जाने पर मुझे बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। कई चीजें जो मेरे सुप्त मन में रहती थी, जो सबकॉन्शियस में रहती थी, वो बाहर आई। जो वहां पे प्रोग्राम्स होते थे, जो ध्यान होता था, जो डिस्कोर्स हुआ करते थे, उस दौरान बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग जानते तो जरूर हैं अपनी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए, बट हम कर नहीं पाते हैं। और इसीलिए मैं इस बात का आभारी हूं कि खास तौर से उन्होंने उस चीज को जागृत किया। और ये मेरा अनुभव है कि जो भी वहां जाएगा, जो भी उनके संपर्क में आएगा, उसको वो अनुभव होने ही वाला है, जो आज के टाइम में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब ये कार्यक्रम इन्होंने करने जा रहे हैं लिंकिंग हर्ट्स का, जैसा कि नाम से आप समझ गए हैं कि दिलों को जोड़ने की प्रक्रिया। आज हम आधुनिकता के पीछे इतने ज्यादा पड़ गए हैं, हर तरह से हम नजदीक हैं, हम मोबाइल से जुड़े हुए हैं लोगों से, कुछ ही घंटों में कई मीलों की दूरी तय कर सकते हैं, हजारों मील की दूरी तय कर सकते हैं, मगर शायद फिर भी दिलों में नजदीकियां नहीं है। ऐसे समय में हमें जरूरत है एक ऐसे सोच की जो हमें इस ओर ले जाए कि किस तरह से हम एक इंसान को इंसान समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनके साथ सबको लेके चलें, अपने विचारों के दूसरों के विचारों को समझें। तो इसमें निश्चित रूप से जो लिंकिंग हार्ट का प्रोग्राम है बहुत योगदान देगा सभी प्रतिभागियों को। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी लोगों को कि कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो। दोस्तों, जब मैं 2012 में गया जुलाई में, उसके बाद मैं अकेला उस समय गया था परिवार की ओर से। उसके बाद जब मुझको मौका मिला, हैदराबाद में एक और कार्यक्रम हुआ अगले साल में ही, तो मैं फिर गया। इस बार मैं परिवार के साथ गया, मुझको लगा कि जो अनुभव मुझे हुआ है वो सबको होना चाहिए। और इन सब का जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, मेरे जीवन में पड़ा, मेरे परिवार के ऊपर पड़ा, तो हमारे अंदर एक जो कभी कभी हो जाता था, क्या कहते हैं उसको, विचार का मतभेद हो जाता है, वो भी आराम से सुलझ जाता है और मन को शांति तो मिलती ही है निश्चित रूप से। अभी आप लोग भी अनुभव करेंगे इस चीज़ को, जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो आप मेरी बात से पूर्णतः सहमत होंगे, मैं इस बात की आशा करता हूँ। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि JNPT के टाउनशिप में एक सेंटर बनाया है
ब्रह्म कुमारीज ने, जिसको उज्ज्वला दीदी और अनीता दीदी और रविंद्र शेजवाल जी चलाते हैं, और इससे हम सब का बहुत लाभ हुआ है, हम सबको बहुत फायदा मिला है इससे, खास तौर से इस कोरोना के जो समय में कोविड 19 का कह रहा हर जगह फैला हुआ है, लोग बहुत स्ट्रेस में फील कर रहे थे, मगर आपको आश्चर्य हुआ कि इसका असर हमारे जीवन पे कम से कम पड़ा है, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग हुई है, जो हमको समझ में आया, जो इन्होंने बताया, उसके हिसाब से हम लोगों ने वही जीवन जिया है और स्ट्रेस को कम से कम महसूस किया है। तो हो सकता है आप सबको भी इसका बहुत लाभ हो, तो इसको अपनाइए। और मैं JNPT में जो चल रहे कार्यक्रम हैं उनकी बहुत सराहना करता हूं और चाहता हूं ये हमेशा चलते रहेंगे और भी अच्छी तरह से चलते रहेंगे। इन्हीं कामना के साथ, शुभकामना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं, कुमारी इंस्टीट्यूट को बधाई देता हूं, प्रजापिता जी को नमन करता हूं, और चाहता हूं कि आप इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें और हम मानव जो समाज है उसकी भलाई होती रहे इसी प्रकार से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू, ओम शांति। At the outset, I would like to congratulate Prajapita Brahmakumari's Ishwari Vishwavidyalaya for organizing this e-conference on shipping, aviation and tourism win from 25th to 27th September this year. I've been asked to talk about opportunity in crisis. I would say, as far as shipping, aviation and tourism is concerned, opportunity in crisis is a very apt and wise collection of words in today's situation. It's a very wisely coined phrase that needs a very careful and contextual understanding. In fact, looking at it from the philosophy of Vishwavidyalaya, let's begin from life, that life itself is an opportunity. It's an opportunity to grow. It's an opportunity to blossom like a seed. Every seed has a possibility of growing. Every seed has a possibility of blossoming and transforming into the plant, bearing beautiful flowers and fruits. But whether a seed will eventually transform into a plant, whether it will bear beautiful flowers and fruits or not, will depend on the situations that it is exposed to. For instance, if you keep the seed in a box, then keep this box in the shelf in your room or near your desktop, probably this seed, though has a potential of transforming into a plant, will never ever get this opportunity and will never bear fruits, will never ever bear flowers. So it is with life. If life is exposed to challenges, life has potentials to grow, to blossom. And these potentials are coming from the challenges that the life is exposed to. As we all know, today the world is facing an unprecedented crisis, COVID-19. It has been widely reported in the secondary sources that this crisis started from a place called Wuhan in China. Since it is said to have started from China, it will be apt if we look at the meaning of this word crisis in Chinese. The word crisis in Chinese is pronounced as VG. Basically, it's a combination of two words, that is danger and opportunity. That once you are exposed to a situation that is dangerous, the situation in itself brings you some opportunity. And that's why I said in the beginning that opportunity in crisis is a very apt word. In fact, Plato had once said that necessity
is the mother of invention. And this statement that opportunity in crisis is at the base of this phrase which was coined by Plato. Thank you very much for this support. आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच सकारात्मकता पर आज हमें जो प्रकाश मिल रहा है उससे मन पूरी तरह से पॉजिटिव होता जा रहा है और ये विश्वास होता चल रहा है कि ये चीज़ हमारे जीवन के लिए सचमुच बहुत बहुत आवश्यक है। जब ये है तो जीवन जीने का आनंद है। जैसे एक यंग मच्छर की बात कही जाती है, पहली बार एक यंग मच्छर उड़ान भरता है और जब वो उड़ान भर के वापस आता है तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि बेटा कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट। तो वो कहता है बहुत उत्साह से कि पिताजी मज़ा आ गया, आज मैं जहाँ भी गया लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। वास्तव में लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ से ये मच्छर आ गया, लेकिन उसने इसे इस रूप में लिया कि ये ताली बजाकर मेरी फर्स्ट फ्लाइट में मेरा अभिनंदन कर रहे हैं। यदि वो ये सोचता कि कितने जालिम लोग हैं मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद वो अगले दिन उड़ान नहीं भरता, जीवन का आनंद नहीं ले पाता। आप भी विचार करें, यदि कोई नाविक, कोई कैप्टन, कोई सेलर ये सोचे कि नहीं मैं सागर में नहीं उतरूंगा, वहाँ तो कभी भी बहुत भयंकर तूफान आ सकता है, तो क्या वो अपने जीवन का उस यात्रा का आनंद ले पाएगा? शिप का निर्माण ही हुआ है सागर की लहरों के साथ खेलने के लिए, पोर्ट पर बंधे रहने के लिए नहीं। यदि कोई एरोप्लेन है उसका पायलट है वो ये सोचे कि नहीं आकाश में कभी भी मौसम गड़बड़ा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं तो उड़ान नहीं भरूंगा, तो क्या इसे समझदारी कहा जाएगा? नहीं, एरोप्लेन है ही उड़ने के लिए, आकाश को चूमने के लिए। फोर व्हीलर्स हैं, गाड़ियां हैं, सड़क पर दौड़ने के लिए बनी हैं। सड़क के गड्ढों से घबरा करके यदि चालक ये सोचे कि नहीं मैं तो गाड़ी चलाऊंगा ही नहीं, तो भी जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकेगा। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन व्यक्ति यदि उस यंग मच्छर की तरह अपने आप को पॉजिटिव रखे तो वो अपनी यात्रा का संपूर्ण आनंद ले पाता है। और यही सीख हमारी आज के इस सत्र की है जो हमारी सभी महानुभावों ने हमें दी है कि कुछ भी हो जाए अपनी इस पॉजिटिविटी को हम कायम रखें, और जब इस पॉजिटिविटी के साथ हम फील्ड में उतरेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा, और यदि कुछ नेगेटिव होगा भी तो भी हम अपनी पॉजिटिविटी से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तुम्हारे दिल की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि जीवन की यात्रा में आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, इसका संपूर्ण आनंद लें, शांति और सुकून आपके गले का हार बन जाए। हमारी यही दुआ और यही शुभकामना है, और इन्हीं दुआओं के साथ आज मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। कल पुनः प्रातः 10 बजे आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओम शांति, गुड नाइट। ब्रह्मा कुमारी शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग लेकर आए हैं लिंकिंग हार्ट्स। Awakening to a new way of